हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आप लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 17 तक का सलूशन देखा था। आज हम लोग इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 18 सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है। आप लोगों से मैं एक ही बात कहूंगा कि इस क्लासेस को शेयर जरूर करते रहिए और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6H प्रॉब्लम नंबर 18। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 18। तो क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि R त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु, विशालतम मतलब मैक्सिमा करना होगा हमें इसको, मैक्सिमम यानी विशालतम शंकु का आयतन गोले का 8/27 होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पर गोला बना लेंगे और इस गोले के अंदर हमने एक शंकु काटा है, ठीक है। इसको नॉमिनेट करते हैं ABC। ये यहाँ से हमने ये सेंटर हो गया O गोले का और इसको इससे मिला दे तो ये भी रेडियस हो गई हमारी और ये भी रेडियस। अब गोले की त्रिज्या यहाँ पर इसको हम नाम दे दें D दे दें और इसको E। तो क्या दिया गया है, क्योंकि गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल R गिवन है हम, तो ये R हो गई, ये भी R हो गई। तो देखो OA इक्वल टू OB इक्वल टू R, ठीक है। अब हम क्या करें, एक चीज मान लें कि गोले ये जो त्रिभुज बन रहा है, शंकु है, शंकु का अर्ध शीर्ष कोण थीटा है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 2θ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही परिधि पर बना हुआ कोण, परिधि पर एक ही चाप के लिए परिधि पर बना हुआ कोण जो है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या फिर हम ऐसे कहें कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये 2θ हो जाएगा हमारा। तो यहां पर लिख लें, माना BAD एंगल ऑफ BAD बराबर थीटा, तो इसलिए एंगल ऑफ BOD बराबर 2θ, ठीक है। अब हम क्या करें, ये शंकु की त्रिज्या और ये OD यानी कि BD और OD को फाइंड कर ले। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज BOD में, ठीक है, BOD में देखें तो BD अपॉन OB इक्वल, तो ये देखिए ये तो 90 हो गया यहाँ पर हमारा, तो ये आधार हो गई और ये हमारी लंब हो गई, ये कर्ण हो गई, तो लंब बटा कर्ण यानी कि साइन, तो साइन 2θ। तो BD और OB कितना है, R इक्वल टू साइन 2θ, तो BD इक्वल टू R साइन 2θ। अब BD क्या है, तो शंकु की त्रिज्या है, तो यहां लिख लेंगे, इसलिए शंकु की त्रिज्या स्मॉल r बराबर BD यानी कि R बराबर R साइन 2θ, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या मिल गई हमें। अब हम OD और फाइंड कर लें, तो फिर से इसी ट्रायंगल में बात करते हैं, तो त्रिभुज BOD में अब की बार क्या करें, ये OD OD अपान OB
तो अब की बार क्या हो रहा है, आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया कॉस टू थीटा, तो ओडी बराबर आर कॉस टू थीटा, क्योंकि वो भी कितना है, आर है, और ओबी की जगह पर हमने आर रख दिया, यहां पर लिख दीजिए ओबी इक्वल टू आर, ठीक है। तो ओडी हमें मिल गया। अब हम शंकु की ऊंचाई याद करना चाह रहे हैं, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई एच बराबर एडी। अब एडी को हम क्या लिखेंगे, तो एओ प्लस ओडी, और एओ कितना है आर, तो ये त्रिज्या है हमारी, तो कैपिटल आर प्लस आर कॉस टू थीटा। तो शंकु की ऊंचाई एच, आर कॉमन कर लियो, वन प्लस कॉस टू थीटा। तो अब हमें शंकु की त्रिज्या भी पता है और शंकु की ऊंचाई भी पता है, तो अब हम शंकु के आयतन की बात कर लें, तो देखिए क्या आ जाएगा। तो इसलिए शंकु का आयतन तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर, आर हमारा ये रहा, तो आर साइन टू थीटा होल स्क्वायर, और एच ये रहा आर 1 प्लस कॉस 2। v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये आर मिलकर के आर क्यूब, साइन स्क्वायर टू थीटा इंटू 1 प्लस कॉस 2। अब क्या करना है, अब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डीवी ओवर डी थीटा 1/3 पाई आर क्यूब, ये तो ऐसे ही आ गया, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, तो फर्स्ट साइन स्क्वायर टू थीटा, सेकेंड का करेंगे 0 - 2 cos 2 थीटा, तो सॉरी 2 sin 2 थीटा, cos का साइन हो जाएगा है ना, 2 थीटा का 2 आएगा वो यहाँ पर आ, प्लस सेकेंड अब किसका करना है, साइन का करना है, तो 2 sin 2 थीटा और साइन का हो गया cos 2 थीटा इंटू 2, क्या आया 1/3 पाई आर क्यूब। इसे सॉल्व करें तो -2 sin3 2 थीटा, प्लस यहां पर देखें तो 2 to the 4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा। यहां से हमें ये कॉमन मिल रहा है, ध्यान से देखें 1/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 sin 2 थीटा कॉमन आ रहा है, क्या बचा माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस, ये तो साइन चला गया बाहर, इसको अंदर ले चले तो 2 cos 2 थीटा प्लस 2 cos² 2 थीटा, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, तो एक काम करें, इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर दो, पूरा टर्म कॉस में ही आ जाएगा, 1/3 पाई आर, ये 2 भी आगे ले लें तो 2/3 पाई आर क्यूब साइन 2 थीटा, इसको हमने लिख दिया -1 प्लस cos² 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 2 cos² 2 थीटा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो सॉल्व कर रहे हैं तो ये प्रोसेस आपको की पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको आगे आप नोट लिख सकते हैं यहाँ पर, ये ट्रिक आपको यूज करना पड़ेगा, 2/3 पाई आर क्यूब साइन 2 थीटा कितना आ गया 3 cos² 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा - 1, ये हमें एक सोल्यूशन मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम यहां लिखते,
उच्चिष्ट एवं या अथवा निम्निष्ट होने के लिए, ठीक है, तो इसको जीरो करना होगा। डीवी ओवर डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर 2y3πr³ साइन 2θ इन ब्रैकेट 3 cos² 2θ प्लस 2 cos² θ माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो ये तो सारा डिवीजन में चला गया। यहां से क्या मिला, एक तो हमें साइन 2θ इज इक्वल टू जीरो होल मिला, तो साइन 2θ इज इक्वल टू साइन जीरो, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब एक बार सोचिए, थीटा इक्वल टू जीरो क्या पॉसिबल हो सकता है? अगर जीरो थीटा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा शंकु जो कोण है वो बनेगा ही नहीं, तो ये वैल्यू तो मेरे काम की नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। अब दूसरी बात करते हैं, इसको लेते हैं, तो 3 cos² 2θ प्लस 2 cos² θ माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। इसे इसके फैक्टर बनाए तो 3 cos² 2θ प्लस 3 cos² θ माइनस cos² θ माइनस 1 इक्वल टू जीरो। 3 cos² θ कॉमन, cos² θ प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, cos² θ प्लस 1 इक्वल टू जीरो। cos² θ प्लस 1 3 cos² θ माइनस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ से भी दो वैल्यूज आ रही है हमारी, ये cos² θ प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो cos² θ इक्वल टू माइनस 1, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, तो क्या आ गया, cos² θ इज इक्वल टू cos π, θ इज इक्वल टू π एंड θ इक्वल टू π/2। अब दूसरी बात, थीटा इक्वल टू π/2 यानी कि थीटा 90। अब अगर हमने ये 90 एंगल कर दिया तो भी हमारी ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, सीधे ऐसे करके खिंच जाएगी, है ना, तो यहाँ पर हमारा शंकु पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब हम इस वैल्यू को भी यूज नहीं कर सकते। अब दूसरा बचा हमारा 3 cos² θ माइनस 1 इक्वल टू जीरो, cos² θ इक्वल टू 1/3। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें सिर्फ एक वैल्यू cos की ऐसी मिल रही है जिसे हम यूज कर सकते हैं, थीटा यानी कि cos² θ को यूज कर सकते हैं, बाकी ये भी हमारे काम का नहीं है और ये भी हमारे काम का नहीं है। अब हमें इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना होगा, तो चलिए अब इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर, देखो प्रॉब्लम की लंबाई को ये समझना समझना कि बहुत कठिन हो रहा है, लंबा हो रहा है, लंबा जरूर है लेकिन है बहुत इजी, अगर स्टेप टू स्टेप आप करते जाएंगे तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, कतई टफ नहीं है। अब क्या करना है, नाउ d2v/dθ² इज इक्वल टू 2y3πr³ d/dθ साइन 2θ 3 cos² 2θ प्लस 2 cos² θ माइनस 1। चलिए इसको हटा देते हैं नीचे से और डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 2/3πr³, यहां फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा तो फर्स्ट साइन 2θ, इसका करेंगे तो 6 cos² θ और cos का होगा तो माइनस साइन 2θ, 2θ का होगा तो 2 प्लस 2 cos का माइनस साइन 2θ और इंटू 2 और 1 का 0। ये तो हमारा ये पार्ट हो गया। इसके बाद में क्या करना है, प्लस 3 cos² 2θ प्लस 2 cos² θ माइनस 1 और साइन का करेंगे
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पेन करके सॉल्व करके लिख लेते हैं, 2/3 πr³ क्या आ रहा है, तो साइन 2θ, यहाँ पर देखिए कितना होगा, तो 12, और ये माइनस भी आ रहा है, तो -12 cos 2θ sin 2θ, और यहाँ पर कितना आ रहा है, -4 sin 2θ। यहाँ पर देखें तो +2 cos 2θ और 3 cos² 2θ +2 cos 2θ -1। तो ये स्टेप हमें पूरी मिल गई, इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है हमारे सामने, देखो इसको हमें आगे ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, बस यहीं पर रखेंगे और यहीं पर वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास में जो वैल्यू है cos 2θ = 1/3, और हमें जो टर्म मिल रहे हैं वो साइन भी इसमें मिल रहा है, तो हम कॉस से साइन की वैल्यू फाइंड कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, @cos 2θ = 1/3, तो sin 2θ = √1 - 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 1/9, इट मींस √8/9 यानी कि 2√2/3। तो sin 2θ और cos 2θ की वैल्यूज मिल गई हमें। अब हम इसको इसमें यूज करें और चेक करें पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो क्या आएगा, देखो d2v/dθ² = 2π/3r³ इन वैल्यू रखते हैं, 2√2/3 -12, cos कितना था 1/3, sin हमारा 2√2/3 -4 √2/3 +2, cos की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 1/3, और 3 cos² 2θ यानी कि 1/9 +2 1/3 -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3/4 2π/3r³ √2/3 ((8) - √2/3 - √2/3 √2/3 + 2/3, और ये कितना हो गया 1/3, 1/3 + 2/3 - 1, ये मिलके तो हो गया 0। यहाँ पर देखते हैं क्या बच रहा है हमारा, तो इसको हम चेक करें, d2v/dθ² = 2π/3r³, ये 8 और 8 सम हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 16 2√2/3 - 16√2/3 + 2/3 × 0। फाइनली जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो इतना आया, तो 2π r³/3, और अंदर कितना आ जाएगा, 16 × 32, और तो ये -64/9, और ये इधर हमारा तो 0 ही हो गया, उसे क्या लिखना, तो -2π r³/3 × 64/9, तो मिला करके वैल्यू आ गई निगेटिव। तो क्या लिखेंगे, अतः cos 2θ = 1/3 पर शंकु का आयतन उच्चिष्ट होगा। ठीक है, तो अब शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, तो शंकु का आयतन हमारा कितना था, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा समीकरण 1 से शंकु का आयतन v = 1/3 πr³
टू साइन स्क्वायर टू थीटा वन प्लस कॉस टू थीटा। तो हम वैल्यू रख रहे हैं इसमें पाई आर क्यूब, साइन की वैल्यू थी टू रूट टू बाई थ्री का होल स्क्वायर और वन प्लस वन बाई थ्री, वन बाई थ्री पाई आर क्यूब। यहाँ कितना हो गया, टू टू द फोर, फोर टू द एट, एट बाई नाइन इंटू फोर बाई थ्री, टोटल कितना आ गया, तीन सौ इक्यासी और 32/81 पाई आर क्यूब। ये तो मिल गया हमें शंकुकार। अब कंपेयर करना है गोले से, तो गोले का भी आयतन लिख लेते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करेंगे कि शंकु का आयतन बटे गोले का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन कितना है हमारा 32/81 पाई आर क्यूब और गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो सीधा कैंसिल हो गया, 32/81 में 3/4 होता। तो अब इसको कैसे लिखते हैं हम, तो शंकु का आयतन बराबर 8/27 और ये गोले का आयतन, यही हमें प्रूफ। प्रॉब्लम नंबर 19 क्या दे रहा है, टी समय में किसी कण की सरल रेखीय गति का समीकरण। तो एस बराबर 1/4 टी की घात 4 माइनस 2 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर माइनस 7। बताइए कब इसका वेग महत्तम होगा और कब इसका त्वरण निम्निष्ट होगा। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी वेग यानी कि बराबर होता है ds ओवर dt। तो हम यहां से वेलोसिटी फाइंड कर लें, क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दें, 1/4 × 4t³ − 3 to the 6 t² + 8t - t। तो b कितना निकल आया हमारा, t³ − 6t² + 8t। ये तो हमारी आ गई वेलोसिटी, ठीक है ना। अब हम इसको मैक्सिमा प्रूव कराना है, तो हमें इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो देयरफॉर dv/dt 3t² − 12t + 8, ठीक है। अब लिखेंगे उच्चस्थ एवं निम्निष्ठ या अथवा निम्निष्ठ होने के लिए क्या हो जाए, dv/dt = 3। therefore 3t² − 12t + 8 = 0। इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं, इसको हम सॉल्व करें, कितना आएगा 12 + −√v² 144 − 4ac/2। क्या आएगा t इक्वल टू 12 + √144 − 96/6 t = 12 + −√। तो क्या बचा यहाँ पर, 14 में से 6 गया तो 8 और 13 में से 9 गया 4 = 46/6। तो इसको इधर लिख देते हैं 12 + −48, तो क्या बनेगा जाते हैं इसका 4√3/6। टी की वैल्यू हमें मिल जाती है 2 + −, और इसको इसके अपॉन में लाएंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा
रूट टू रूट थ्री अपॉन, ठीक है ये तो हमें टी मिल गया। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट एक बार करा दे, तो क्या आ जाएगा देखो जी टू बी ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको फिर से डिफरेंशिएट कराए, 60 माइनस 12 इंटू 1 प्लस 0, तो यहाँ आ गया 60 माइनस 12। अब टी के हमारे पास में यहाँ पर दो मान है, एक 2 प्लस 2 रूट 3 बाय 3 है और एक 2 माइनस 2 रूट 3 बाय 3 है, तो क्या करेंगे एक एक करके इसको लेते हैं, तो लिखेंगे एट t इक्वल टू 2 प्लस 2 बाय रूट 2 रूट 3 बाय 3, जी टू बी ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 2 रूट 3 बाय 3 माइनस 12, तो 12 प्लस 12 रूट 3 बाय 3 माइनस 12, और ये मिल गया हमें पॉजिटिव। लेकिन वेलोसिटी तो हमें मैक्सिमा प्रूव करनी थी, ये आ गया मिनिमा, तो ये फिर हमारे काम का नहीं है, अब हम टी दूसरा लेंगे, है ना, तो दूसरा वाला लेते हैं। नाउ एट टी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट 3 बाय 3, इसको फिर से करते हैं, तो क्या आ जाएगा देयरफॉर डी टू बी ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टू माइनस 2 रूट 3 बाय 3 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 रूट 3 बाय 3 माइनस 12 कैंसिल हुआ और वैल्यू हो गई निगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम हमारा 2 माइनस 2 रूट 3 बाय 3 होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमा होगी, यहां लिख देंगे, अतः t बराबर 2 माइनस 2 रूट 3 बाय 3 पर वेग महत्तम होगा, एक वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें त्वरण के लिए करना है, तो चलिए भाई थोड़ा फिर पीछे चलते हैं त्वरण के लिए, तो त्वरण क्या होता है यहाँ पर लिख लेते हैं, त्वरण त्वरण को f या a से प्रदर्शित करते हैं, तो t बराबर हमारा हो गया d2s over dt square, इसे हम d over dt और ds over dt को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तो d over dt और ये था हमारा v, तो dv over dt की जो वैल्यू है वही हमारा त्वरण है, ये डेरिवेशन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। तो dv ओवर dt हम लोग निकाल चुके हैं पीछे, तो क्या निकला था, pt स्क्वायर माइनस 12t प्लस 8, ठीक है। अब यहां से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है जिसको हमें मिनिमा प्रूव करना है, तो हम पहले dA ओवर dt निकाल लेते हैं, तो 6t माइनस 12 इंटू 1 प्लस 0 dA ओवर dt इज इक्वल टू 60 माइनस 12। अब यहां पर लिखेंगे उच्चस्थ अथवा निम्नस्थ होने के लिए dA ओवर dt इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू 2। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करा दें, तो देयरफॉर डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू 6, एट टी इज इक्वल टू 2, डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इट विल बी 6। क्या मिला हमें, अतः टी बराबर 2 पर त्वरण न्यूनेस्ट निम्नस्थ होगा, यही हमारा।
आंसर हो गया। पहले ही लिखना चाहें तो लिख देंगे बी क्या था टी बराबर टू माइनस टू रूट थ्री अपॉइंट थ्री पर महत्तम महत्तम और त्वरण टी बराबर टू पर न्यूनतम होगा। ये आपका देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 20 तो क्या दे रहा है यहाँ पर। सिद्ध कीजिए कि x बराबर पाई बाई टू पर फलन y बराबर साइन x महत्तम है, बहुत ही इजी है। तो y बराबर साइन x पहले इसको कर लेते हैं, डी बराबर डी एक्स साइन x का होता है cos x। क्या लिखेंगे उच्चिष्ठ अथवा निम्निष्ठ होने के लिए क्या हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर cos x इज इक्वल टू जीरो, cos x इज इक्वल टू cos pi बाई टू, तो x इक्वल टू pi बाई टू। फिर से कर देते हैं दोबारा से, तो नाउ d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन x एट वैल्यू रख दें, तो एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई टू एंड माइनस वन इट विल बी कॉस नेगेटिव। तो क्या हुआ मैक्सिमा आ गया ना, प्रूव क्या देखिए क्या लिखेंगे अतः फलन एक्स बराबर पाई बाई टू पर उच्चिष्ठ होगा। अब इस सवाल में उसने एक पार्ट और दे रखा है और कह रहा है क्या फलन y बराबर x माइनस पाई बाई टू होल टू दी पावर फाइव x बराबर पाई बाई टू पर उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ है, तो ये बिल्कुल अलग सवाल है, बस इससे जोड़ दिया गया, कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है y इक्वल टू x माइनस पाई बाई टू होल पावर फाइव, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल अलग सवाल है। फिर से करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स फाइव एक्स माइनस पाई बाई टू होल पावर फोर वन माइनस जीरो एक्स माइनस पाई बाई टू होल पावर फोर, फिर वही लाइन अपनी उच्चिष्ठ अथवा निम्निष्ठ होने के लिए ठीक है, क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो फाइव एक्स माइनस फाइव बाई टू होल पावर फोर इक्वल टू जीरो, क्या आ जाएगा एक्स माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू। फिर से एक बार कर देंगे इसको डिफ्रेंशिएट, therefore d2 y over dx square is equal to 4 pi into 20 x minus pi by 2 whole cube 1 minus 0 then 20 x minus pi by 2 का whole cube ले लेते हैं। at x is equal to pi by 2 d2 y over dx square equal to 20 pi by 2 minus pi by 2 whole cube, ये cancel हो गए, क्या मिला 0। तो आप जानते हैं जीरो पर क्या होगा, ना ही यह उच्चिष्ठ होगा और ना ही यह निम्निष्ठ होगा, बस आपको यही एक लाइन यहाँ पर लिखनी है। तो इधर थोड़ी सी जगह है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अतः फलन x बराबर पाई बाई टू पर ना ही उच्चिष्ठ होगा और ना ही निम्निष्ठ होगा। स्टूडेंट्स आज के प्रॉब्लम्स आपको खूब अच्छे से समझ में आई होंगी, तीनों सवाल बहुत बढ़िया थे, आपको समझ में भी आ गए होंगे। आज से मैं एक ही बात कहूंगा कि इन क्लासेस को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं,
ताकि उनकी भी समस्या का समाधान हो सके, आप उनकी मदद कर सकते हैं इन क्लासेस को लेकर के। और रहा मैथ्स को लेकर के, तो प्रैक्टिस ही आपको मैथ्स सिखा सकती है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, सवाल को लगाते रहिए, बार बार रिपीट करिए, इसी से आपको कई चीजें आएंगी। एक तो आपकी स्पीड मेंटेन होगी, दूसरी चीज आपको फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़िए, प्रैक्टिस ही आपको मैथ्स सिखा सकते।